पूछताछ के लिए हिरासत में लिए गए युवक की मौत से हड़कंप मच गया, जिसे लेकर परिजन ने मंत्री से न्याय की गुहार लगाई है। उधर पुलिस द्वारा दावा किया जा रहा है कि हिरासत के दौरान पंकज रविवार की रात लोकअप से फरार हो गया था। सोमवार सुबह निजी नर्सिंग होम में फांसी के फंदे पर झूलते हुए संदेहास्पद परिस्थितियों में उसका शव बरामद हुआ था। दरअसल आदिवासी युवक पंकज बेग की मौत के मामले में उसकी पत्नी ने केंद्रीय समाज कल्याण मंत्री थावरचंद गहलोत से न्याय की गुहार लगाई है। सरगुजा पुलिस साइबर सेल में हुई थी पंकज की मौत। मंत्री से उन्होंने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। मोदी सरकार के दूसरे कार्यालय के 100 दिन की उपलब्धि गिनाने गहलोत रायपुर पहुंचे थे। उस दौरान मृतक पंकज बेग की पत्नी ने उससे मुलाकात की। इससे पहले केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह ने भी पुलिस हिरासत में पंकज बेग की मौत की शिकायत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी की थी। आपको बता दें कि भटगांव के रहने वाले पंकज और इमरान नाम के दो युवकों को पुलिस ने पूछताछ के लिए हिरासत में लिया था। पुलिस द्वारा दावा किया जा रहा है कि हिरासत के दौरान पंकज रविवार की रात लोकअप से फरार हो गया था। सोमवार सुबह निजी नर्सिंग होम में फांसी के फंदे पर झूलते हुए संदेहास्पद परिस्थितियों में उसकी मौत हो गई थी और उसका शव फांसी के फंदे से लटका हुआ मिला। मामले के तूल पकड़ते ही आईजी केसी अग्रवाल ने कार्यवाही करते हुए कोतवाली प्रभारी विनीत दुबे, दो सब इंस्पेक्टर समेत 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया। मामले में मीडिया से बात करते हुए आईजी ने मामले में पुलिसकर्मियों की चूक मानी और मामले में विभागीय जांच के भी आदेश दिए हैं। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lightning. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।